निम्बोला थाना अंतर्गत धूलकोट के केवड़िया फालिया में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में कुल 18 वन अतिक्रमणकारी आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह गणेश एवं SDOP नेपानगर आयुष अलावा के मार्गदर्शन में पुलिस ने धूलकोट के केवड़िया फालिया में आरोपियों की तलाश में गई पुलिस टीम पर हमला करने वाले 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 4 अप्रैल की सुबह केवड़िया फालिया में पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुहेल खान, बुरहानपुर। हुआ था सुबह सुबह जिसके अंदर केवड़िया फालिया जो है धूलकोट में, वहां पर जब एक अतिक्रमणकारी था जो गोरेला, जो कि घाघरला के अतिक्रमण के अंदर इन्वॉल्व था, उसको पकड़ने के लिए जब पुलिस गई थी तो वहाँ पर उनके साथ में जब झुमा झटकी हुई और कुछ लोगों को चोट लगी तो उसमें एक मामला कायम किया गया था। उसी दिन हम लोगों ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आज पुलिस ने अगले 5 लोग, जिसके अंदर रामलाल बारेला, जाम सिंह बारेला, गोपाल बारेला, राकेश बारेला और भाईराम बारेला, ऐसे कुल मिला के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसी के पास में जो जंगल था, झीर पांजा की तरफ जाता था, उस एरिया के आसपास में ही सब लोगों को एक एक करके राउंड अप किया है। कुल मिला के 5 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आज उनको कोर्ट में पेश करेंगे और उसके बाद में इनसे पूछताछ करने के लिए रिमांड लेकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।